गर्मी भी वेख ली, झक्खड़ तूफान वेख ले, टेंट टुट गए, नुकसान हो गए। उस तो बाद सर्दियाँ भी वेख लिया, कड़कदियाँ, धुंदा भी वेख लिया, ठंडा। उस तो बाद फिर गर्मी आ गई, 40 to 50 degrees के पारा वा। साड़ी लीडरशिप जिहड़ी आ उहनूं सिंसैरिटी विखाउणी चाहीदी सी। टाइमली जदों पंजाब सी बैठे सी, लीड लैणी चाहीदी सी, दिल्ली जा के लीडरशिप नूं कन्विंस करना चाहीदा सी ते मसला उदों ही हल करवाउणा चाहीदा सी, ना कि यह वधदा ही ना इन्ना। मैं नहीं आंदा एक्ट माड़े होणगे, पर जे असीं नहीं समझाउण च कामयाब रहे तां फिर उहनां दी सुण लईए, उहनां दी मन लईए। बीजेपी वाले जिहड़े उह अजे वी सेंटर दी बोली बोल रहे ने पंजाब दे विच वी। आपां जिन्हां वास्ते करदे पए आ जी, जो उन्हें नहीं चंगे तो आप क्यों करते पे हैं। जिहड़े अंदोलन चल रहे ने तुसी उन्हां नूं किसान मानते हो या नहीं मानते? अमृतसर की गल करिए सांसद ने सुवेत मलिक जी, उन्होंने घर के बाहर भी बैठे हुए हैं, तरुण चुन जी उन्होंने भी विरोध हुंदा है, पर फिर भी ये आवाज़ नहीं उठा रहे। ये इसे दे विच ही खुश है कि खरे ही मैडल आ, कई तो चा ना दसते मैनू इन्नी मेरी घेर रहा, इन्नी वारी उन्होंने लगता भी शील्डा मिल रही, उन्होंने मैडल मिल रहे हैं। जो सब ते विरोधी जेड़े ने हूँ भी बोल रहे हैं कि जोशी साहब पहला तो बोले नहीं, अच्छे अखबार मीडिया ध्यान दिता किस चैनल से कि अज नारा मारे ने सिर्फ और सिर्फ 2022 दिया चुनाव का स्टंट है। उन्होंने कहा तुम भी हूँ आ जाओ ना, हूँ ही आ जाओ, हाले कि मसला हल हो गया। कि एक बच्चे घर के सब्जी ना ना जी पसंद होनू तुम जबरदस्ती नहीं खवा सकते, उन्हें कहना जाओ मैं रोटी भी नहीं खाता। आपां एड्डी वड्डी कम्यूनिटी नूं, एड्डे किसानां नूं, सारे पंजाब हरियाणा यूपी दे लोकां नूं असीं उहनां नूं कहिंदे पए धक्के नाल तुहाडी आमदन दूनी कर दिंदे, आमदन दूनी कहिंदे नहीं ते रहिण दिओ। फिर सरकारां सरकारां माई बाप हुंदियां, परजा जिहड़ी ओह बच्चे हुंदे आ, ते बच्चिआं नाल मां प्यो दा जिहड़े ना अड़ी ओह जायज़ नहीं आ। तुसीं जुड़े हो चैनल पंजाब नाल, मैं हां तुहाडा दोस्त धर्मवीर लाली। किसान जड़े ने दिल्ली बॉर्डर के डटे हुए ने, जोड़े बिल बनाए गए हैं उन्होंने रद्द करवाने वास्ते, पर बीजेपी वाले जड़े ने वो कह रहे हैं कि बिल जड़े ने लाहेवंद ने, पर उत्थे ही जड़े हुण साबका मंत्री ने अनिल जोशी जी उन्होंने किसानों के हक के नारा मारिया, तो ये जोड़े बिल ने रद्द करवाने वास्ते अपील की है। सो इस वेले साडे नाल अनिल जोशी जी मौजूद ने, गलबात करते असी जोशी साहब नाल, पुछ लें कि बीजेपी वाले का विरोध कर रहे हैं पर उन्होंने अपनी सरकार के विरोध जो हम आवाज़ उठाई है किसानों के हक के की कहना उन्हों का, इस लैके आप गलबात करते हैं अनिल जोशी जी नाल। जो साहब पहला तो जी आनू जी थोड़ा जो साहब, जिमें कि बहुत सारिया सहायता भी हो चलियां ने किसान जे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं ये बिल रद्द करवाने वास्ते, ना तो अजे ताई जिन्हों दहायता हुई ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई है बीजेपी वालों, ना ही उन्होंने हाँ दे हाँ का नारा मारिया, की कहना चाहते? बिल्कुल, साढ़े भरा वा किसान जे उत्थे शहीद होए आ तकरीबन 500 के करीब किसान, तो मैं सब तो पहला उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करदा। पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है, पंजाब ने सारे हिंदुस्तान नूं अन्न खवाया, सब तो मोहरी स्टेट है जिन्हें ये हरी क्रांति शुरू की। उस तो बाद चलो सब बहुत होर स्टेटा के भी एग्रीकल्चर जी वधी वधनी चाहिए आ जी, पर यह आ भी पंजाब के लोगों के नाल खड़े ना होना ये मंदभागी गल है साड़ी पार्टी के लीडर की, क्योंकि असी पॉलिटिक्स पंजाब चों करनी आ, साडे व्यापार पंजाब च आ, साडा भाईचारा पंजाब च आ, किसानी नाल हर चीज़ जुड़ी आ, क्योंकि किसान जे फसल लैके आउंदा ते ओह छोटे तो वड्डे दुकानदार दे नाल उहदा संबंध आ, आड़तियां नाल संबंध आ, फिर अगे शैलर इंडस्ट्री आ, अगे जो भी काम ब्याह शादियां हुंदियां इक बहरे तक भी जिहड़ा वा ना जी, ओह हाड़ी सौणी जदों आउंदी आ ते लोकी ब्याह शादियां करदे आ ते उहदा रुजगार चलदा सब फसलां तों ही आ। तकरीबन 60 to 70 hazard crore रुपया जिहड़ा जितना 25-30 hazard crore रुपया कणक दा, 30 hazard crore रुपया झोने दा, 60 to 70 hazard crore रुपया जिहड़ा इकोनमी दे विच पंजाब दी हर साल नवा MSP दा आउंदा, ये सारी लहर बहर पंजाब दी खुशहाली उहदे सिर ते आ। इस करके पंजाब दे किसान दे जिहड़े खदशे आ उहनां नूं दूर करना चाहीदा वा। मैं नहीं आंदा एक्ट माड़े होणगे, पर जे असीं नहीं समझाउण च कामयाब रहे तां फिर उहनां दी सुण लईए, उहनां दी मन लईए। ये लंबा इन्ना जिहड़ा साल चल गया, एक साल हो गया ऑर्डीनेंस आया नूं, एक गर्मी उहनां ने वेख ली किसानां ने, पहलां इत्थे पंजाब दे विच, फिर सिंघू बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर ते जिहड़े दिल्ली दे बॉर्डर ते चले गए, गर्मी भी वेख ली, झक्खड़ तूफान वेख ले, टेंट टुट गए, नुकसान हो गए। उस तो बाद सर्दियाँ भी वेख लियाँ, कड़कदियाँ, धुंदा भी वेख लियाँ, ठंडा। उस तो बाद फिर गर्मी आ गई, 40 to 50 degrees के पारा वा।
करोना महामारी आ जान जोखम च पा के जे किसान उत्थे लखां हजारां दी गिणती च इकट्ठा होकर जाता लोकी घरों बाहर नहीं डरते निकलते वो अपनी जान जोखम च पाउंदा इहदा मतलब किड्डा वड्डा खदशा उहनां नूं जी आउण वालियां पीढ़ियां बारे जां अपनी किसानी बारे जां अपनियां जमीनां बारे उन्हां नूं किड्डा वड्डा खदशा किन्ना वड्डा डर उहनां दे अंदर बणिया जिहड़ा सारी जान जोखम च पा के धीआं भैणां मावां सब उत्थे जांदे आ जी। इस करके इनू सानू बहुत ज़्यादा गंभीरता दे नाल इनू गल नू लैना चाहिदा सी जिहड़ी असीं उन्नी गंभीरता नाल नहीं लई साडी लीडरशिप जिहड़ी आ उहनू सिंसैरिटी विखाउणी चाहीदी सी टाइमली जदों पंजाब सी बैठे सी लीड लैणी चाहीदी सी दिल्ली जा के लीडरशिप नू कन्विंस करना चाहीदा सी ते मसला उदों ही हल करवाउणा चाहीदा सी ना कि इह वधदा ही ना इन्ना जी। इत्थों जे दिल्ली गए हरियाणा भी जुड़ गया यूपी भी जुड़ गया राजस्थान दे विच्चों भी लोग आ गए बाकी एरिया दे विच्चों भी इस करके असी खलारा जिहड़ा वा उह पाउण दा जिहड़ा वा ना इह वड्डा कारण इही आ पंजाब दी लीडरशिप दी नैगलीजेंसी इन्हां ने किसे नूं भरोसे च नहीं लिया 23 बंदे असीं MLA लड़दे हां मैं कई बार कहा प्रधान जी नूं 23 नूं बुलाओ नाल अपनी कोर कमेटी नूं ला लो नाल होर 2-4-10 जिहड़े लीडर लाउणे ला लो ते आपां एक कंसेंसस बनाईए भी आपां इन्हां दे नाल कितना स्टैंड लैणा आपां दिल्ली चलीए सारे नहीं जाणगे लीडरां नूं 5 बंदे भेज दिओ अगे घट तो घट पंजाब नूं इह ते लगे भी असीं उन्हां दे अपना किसानों के मैटर वास्ते सिंसीयर हैं जी साड़ी सिंसैरिटी शो ही नहीं हुई पंजाब दे विच भी असीं कुछ करते भी पे हैं जो दिल्लियों बोलते अगे बोलते हैं चंगे आ तो चंगे आ जो सर पर जोड़े भी BJP के लीडर ने वो भी आए दिन ही बयान देंगे ने कि किसानों जो बिल समझ नहीं आ रहे पर किसान आते हैं कि साढ़े लिए डैथ वारंट ने कितना कि जापदा नहीं कि BJP वाले जोड़े वो अजे भी सेंटर की बोली बोल रहे हैं पंजाब भी आप जिन्हों वास्ते करते पे हैं जी जो आते नहीं चंगे तो आप क्यों करते पे हैं असं उन्होंने तोड़ी आमदन दूनी होजूगी आते नहीं होंगी अं नहीं रहन दौ अं नहीं करवा दूनी तो असं क्यों जबरदस्ती करते पे हैं है जबरदस्ती किसी नूं मैं अगे भी क्या मिसाल दिती है भी एक बच्चे नूं घर दे विच सब्जी ना ना जिहड़ी पसंद होवे उहनूं तुसीं जबरदस्ती नहीं खवा सकदे उहने कहना जाओ मैं रोटी भी नहीं खांदा आपां एड्डी वड्डी कम्यूनिटी नूं एड्डे किसानां नूं सारे पंजाब हरियाणा यूपी दे लोकां नूं असीं उहनां नूं कहिंदे पए धक्के नाल तुहाडी आमदन दूनी कर दिंदे आमदन दूनी उहनां दे नहीं ते रहिण दिओ फिर उहनां नूं भा के फ्रेम कर लो जिस तरह दूनी हुंदी है आपां ने भंडारण दी व्यवस्था करनी आ सरकार कह दे भी साढ़े को यह व्यवस्था जी है इस तो वध असी नहीं कर सकते प्राइवेट सैक्टर के चाहिए इनवैसटमेंट तुम दस दौ कितना भंडारण की व्यवस्था और किसानों पुछ लैन भी कितना आमदन तुहाडी दूजी दूनी होगी प्राइवेट मंडी की गल है भी किस तरह होर लोग आवगे जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस तरह किसानों पुछ लैन भी अपना डिवर्सीफिकेशन कितना कर सकते हैं कणक झोना इस तो वह लोड़ नहीं जी फसल सड़ दियाँ अपन नवीं टकनीक के नाल जिहड़ियां फसलां उगाउणियां जिहड़ियां जिहदे नाल होर इनकम वधे तुसीं दस दिओ तरीका उहनां नूं पुछ लैण इक इकट्ठा फिर फ्रेम कर लैण ते नवें एक्ट लै आउण इहदे च जिन्नी अड़ी हो गई आ इह आपां जिन्ना क आपां पेशेंस चैक कर ली आ पंजाब दे इह किसान जिहड़े आ ना खास करके उहनां नूं उहनां दे अंदर इक डर बह गया जे आपां नहीं समझाए अपने समझा पाए हाले तक तो मेरा ख्याल आ कि फिर जबरदस्ती नहीं करनी चाहीदी सरकारां जिहड़ियां वा ओह एक्ट बनाउंदियां अमेंड भी करदियां जे तसल्ली हो जाए नहीं तो वापस लै के नवा भी आ सकदा हुंदा जी। इस करके मैं तो यही कहूँगा कि भावें चंगे आ पर जे इस वेले इन्नी कड़ी हो गई है कि उन्हां नूं नहीं समझ आ रहा तो सरकार नूं नहीं अड़ना चाहीदा सरकारां माई बाप हुंदियां परजा जिहड़ी ओह बच्चे हुंदे आ ते बच्चियां नाल माँ प्यो दा जिहड़े ना अड़ी ओह जायज़ नहीं आ। जो सर मैनूं इह दस्सो जिहड़े अंदोलन चल रहे ने तुसीं उहनां नूं किसान मानदे हो जां नहीं मानदे पहलां दा यार किसान की किसान होर कौन है मैं तो कहना जेडे नहीं गए ना उत्थे इत्थे पुछ लो जेडे नहीं गए कल्ले कल्ले घर च जाके पुछ लो जेडे किसानी नहीं करते अजकल उन्हां कोलों भी जाके पुछ लो पंजाब दे लोकां कोलों वो भी आंदे आ ये मसला जल्दी हल होना चाहिए पर BJP वाले क्यों भाए हैं पर BJP दे लीडर मानते ही नहीं आते किसान ही नहीं ग्राउंड का पता ही नहीं चानन ही नहीं इसे करके इन्होंने अपनी कटाए बंदे उत्थे अपना इसे करके इन्होंने म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन च बंदे कटाए अपने इसे करके जिहड़ा आ हालत आ भी इन्हों 100-100 गनमैन लैके तुरना फिरना पै रहा जे थले ग्राउंड की समझ हो ये लोगों ये पंजाब की गल कर पंजाब के किसानों नाल खड़े होण पंजाब के मुद्दे उत्ते खड़े होण ते लोकी इन्हां नूं अगे लखे ते ना भजाउण फिर जो सर पर तुहाडी पार्टी के जिहड़े ने नेता ने Harjeet Grewal जी वह आए दिन ही बयान देंदे जी रद्द नहीं होने बिल जो मर्जी हो जाए तो किवें हल हो फिर समझा देण उन्हां नूं जे नहीं समझ आउंदी तो फिर तो कोई हल तो कढ़ना पैना इंज तो है नहीं भी आपां 10 साल बहा लीए जी किसी सरकार वास्ते गल चंगी है भी साल चली एजुटेशन होर साल चल जाए न 2 साल होर चल जाए ये तो कोई चंगी गल नहीं तो होर नुकसान बड़े निकल सकते हैं अगे तो मसा शांत होया पंजाब ने बहुत संताप झल्लिया
असी भुगत भोगी हाँ, मेरे फादर शहीद हो तो जे अज कोई यहो जी गल्लां शुरू होंदियां जिहदे चों माड़े अंसर जिहड़े आ अपना उहदे चों अपना जिहड़ा वा उह मंतव साधन की कोशिश करनगे इहदे विच घुसण की कोशिश कीती भी अगे फिर करनगे ते जे कोई इहो जी गल शुरू होगी ते फिर कौन जिम्मेवार है। इस करके सानू अपनियां पोस्टां अपने लालच छड के पंजाब वास्ते सुरद हो के पंजाब वास्ते संसीयर हो के इस मसले नूं हल करन नूं पहल देनी चाहीदी है। किसानां नूं सैटिस्फाइड करना चाहीदा वा जो भी जिथे भी मुकदी गल जिथे भी गल मुकदी है इनू हुण मुकाउणा चाहिए। बीजेपी लीडर के घर के बाहर भी किसान बैठे हुए हैं। अमृतसर की गल करिए सांसद ने सुवेत मलिक जी उन्होंने घर के बाहर भी बैठे हुए हैं। तरुण चुंजी उन्हों का भी विरोध हुंदा है पर फिर भी ये आवाज़ नहीं उठा रहे। देखो कई लीडर तो मैं समझदा भी इस गल जो अपने आप से बड़ा चाव आ खुश आओ साडे अं जाके दिल्ली आने सानू वेखो जी घेरा पाया अं कि कुरबानी कर रहे हैं ये इसे दे विच ही खुश है भी खरे ही मैडल आ कई तो चा ना दसते मैनू इन्नी वारी घेर रहा इन्नी वारी उन्होंने लगता भी शील्डा मिल रही उन्होंने मैडल मिल रहे मैनू पांच वारी घेर रहा तो ये उत्थे जाके दसते हैं दो वारी होर वधा के दसते हैं पता नहीं इन्हों ए खरे लगता भी ये सारी राजनीति ए हो गई है बिल्कुल बिल्कुल ये आपस ये अपने तक ही है इन्हों का इन्हों जे वर्कर का वह एम एल ए बेचारे साढ़े जेडे अरुण नारंग वे जो होया वेख्या वा है उन्होंने मुड़ के पुछया ही नहीं किसी ने है बाकी जेडे साडे वर्कर उत्थे हैगे आ मालवे दे विच ज़्यादा वैजीटेशन जेडे जिन्हां दे घरां दे बाहर बैठे आ तीन तीन चार चार पांच पांच किन्ने औखे हो लोग परौणा पांच दिन रह जाए तो लोकियां दे हाथ जोड़दे हुण चले जे जिन्हां दे घरां दे बाहर छे छे महीने तो लोग बैठे आ उन्हां नूं किन्नी मुश्किल आ है वो किन्ने तंग आ पर यह है भी उन्हां विचारियां दे बारे कसूर जिहड़ा वा वो पांच सत्त बंदियां दा उपरलियां लीडरशिप दा भुगत भोगी तो सारे ही है ना उन्हां दी कोई व्यथा सुनने वाला तो नहीं ना ये तो उन्होंने पेशेंस का उन्होंने पेशेंस का भी इम्तिहान है वो की करे जो फिर उन्होंने कह दो अं नहीं हल कर सकते हले असी इतना ही अड़े रहना तुम उन्ना चेर जिन्ना चेर नहीं हल उन्ना चेर बंद कर दो इतों आप वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे उन्होंने आते जाके प्रोग्राम करके आओ वो प्रोग्राम कर जाते लोग उन्होंने गल पेंदे आ इस करके चीज़ा भी तो आप वर्कर भी तो बचा ना अपने साथी आओ अपने नाल पार्टी टाइम लाया उन्होंने जान लाई है उन्होंने विचारधारा विचारधारा थोड़ी मरती होंगी बंदा घर बह जाए तद भी इस करके वो तो जींदी रखी है अपना कौंसलर दी इलेक्शन किसी अठ वोटा में किसी दस साडियां भैणा जिहड़ियां कंपेन करने उन्होंने भजाया गया अगे ला के बूहे नहीं खोले उत्तों गालां कढ़ियां गई कई ने कुत्ते छड़े गए उन्होंने भी नाराजगी कुत्ते छड़े गए फिर अपना यह है भी बैनर पाड़े गए बैनरों के मूँह काले किए गए तो वोटा फिर नहीं पाइं किन्ने परसेंट वोटा पंजाब चो तो फिर इस तरह एम एल ए लड़नी इन्हें इतना सरकार बनानी है इस करके चीज़ा समझन की जरूरत आ ये गहराई ना समझ जाने ये सोचने पांच चार बंदे साडा तो हलवा मांडा चलता सानू गड्डी गनमैन मिले सिक्योरिटी मिली मैं कोई आके प्रधान है कोई आके जनरल सैकटरी है बाकी रह ढठे कूच इस तरह थोड़ी काम चलना इस तरह नहीं पार्टियां चलदी। जो सर तुम ये मुद्दा उठाया नहीं सेंटर के भी अच्छी पैठ बनी थी तुम मंत्री रहे हो सरकार सेंटर के मुद्दा उठाया नहीं उठाया मैं तो पिछली दिवाली तो पहले तुम दस्या गया है जी नहीं सुने सुनवाई हुई फिर मैं ऐ लगा मेरे को ऐसी पोस्ट नहीं हैगी कोई जिद भा दिता जा रहा मैं कोई फिर मैं इतने पंजाब इन्होंने प्रधान जी को कहना शुरू किया है उदों तो इतने बैठे मैं तो यही कहा भी सारे तेई एम एल ए बुलाओ होर जी मेन करीम लीडरशिप आई कोर कमेटी दसंबर है उन्होंने बुलाओ होर दस बारह बंद बुला लो भावें पाँ सठ लोग हो जाए आप कंसेंसस तो आईए एक भी आप कितना स्टैंड लेना इस मुद्दे पर है दिल्ली चल के बहने घट तो घट पंजाब के लोगों को यह तो लगे कि पंजाब की बीजेपी संसीयर है इस मुद्दे पर किसानों के हक के जाके उत्थे बैठी है दिल्ली है असी ये सिंसैरिटी शो नहीं कर पाए अखीर मैं बाहर आना पाया नहीं सुनवाई हुई तो पर जो सब ताडे विरोधी जेड़े ने हुण वो भी बोल रहे हैं कि जोशी साहब पहला तो बोले नहीं अच्छे अखबार बोलन मीडिया बयान दिता जिस चैनल से कि अज नारा मारे ने सिर्फ और सिर्फ 2022 दे चुनाव का स्टंट है हुण को तुम भी हुण आ जाओ ना हुण ही आ जाओ हाले कि मसला हल हो गया कितने जो हो गया दसो तो मैं तो तुमसे अठ महीने हो गए मैं इस काम से लगे मैं ये जिन्हें 35 साल किसी पार्टी की रीति नीति च रह काम किया हो बड़ी औखी लाइन क्रॉस करनी सौखा काम नहीं है इन्होंने को आओ तुम मैदान च आज तुम भी इतना ही लोग अप्रीशिएट करेंगे मैं तो लोग अप्रीशिएट करते पे मैं तो सारी बीजेपी के फोन आए अद्धी अद्धे ज्यादा बीजेपी जी है उन्होंने फोन आए तुम साढ़े मन की गल 3 महीने पहले मैं कार्यकारिणी च बोलिया है उदों भी सारी बीजेपी ने मैंने कहा है तुम साढ़े मन की गल की साड़ी सुनवाई नहीं करते मतलब बीजेपी लीडर भी चाहते नहीं किसानों का फायदा 3 महीने पहला भी मैं बोलिया उस तो पहला तुम दस मैं दिल्ली गया पिछली दिवाली तो पहला अक्तूबर तो पहला है तो मैं उस तो बाद 10 वारी प्रधान को कहा तो हूँ ये चीज़ा अखबार छपाने वाली होंगे नहीं भी मैं अखबार छपाव मैं कहता पाया जी
है जो हम आया मीडिया तो फिर सामने है, फिर हम हत्थों पैरों की पई सारू जो पहला गल सुन लेंगे तो इतों तक नौबत ना आती। जो साहब जिथे किसानों का मुद्दा चल रहा उत्थे हूँ जोड़े ताे भी साथी रहे नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने भी 26 मई में जोड़ा किसानों ने चाला दिवस मनाया से और सिद्धू साहब ने 25 मई में जोड़ा अपने झंडे चढ़ाते पटियाले वाले घर के अमृतसर वाले हमदर्दी है या राजनीति है। चलो चंगी गल है, राजनीति वाले ने राजनीति भी करनी है, हमदर्दी भी करनी, लोग आस ना वेखते हैं, लीडर वाले आस ना वेखते लोग। मैं बीजेपी के क्यों यूनिट को कह रहा कि बीजेपी की जी लीडरशिप है वो वाले आस में वेखते हैं लोग, सेंटर सरकार है बीजेपी की। हूँ कोई अकालिया तो नहीं कहूगा जाओ इतों सेंटर के करा के लिया, बीजेपी वाली वेखना है ना, उन्हें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का इतों का यूनिट साढ़े न खड़ा होसला हल करावे है। इस करके है भी लीडर वाल ही लोगों ने वेखना हूँ, हर कोई आस वाल कैप्टन साहब वाल भी वेंदा होगा, बादल साहब वाल भी वेंदा होगा, बाकी लीडर जोड़े इन भी वेंदा होगा, पर यह है भी कई बंदे जोड़े शुरू तो जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हों का ड्रामा तो साफ फिर नज़र आ जाता। 20 साल की पॉलिटिक्स एक पांच पैसे का काम ना दिसदा होवे ते हर वारी आ के होर वड्डा उद्दा मिल जाए है, वाइस अपना उप मुख्यमंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन के फिर कुछ नहीं करना, भी मुख्यमंत्री बनाओ फिर करूँगा, मुख्यमंत्री बना दो फिर कहूँगा, नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाओ फिर करूँगा, ये किन्ना चिर अगे लैके जाएंगे लोग। गल तो वेखो ना 10 साल एम पी जी, 5 साल उन्होंने घरवाली जी सीपीएस है, उस तो बाद आप 2.5 साल मंत्री रहे तो मंत्री पद के किया दसो एक काम दस दो। मैं 5 साल मिनिस्टर रहा, जिस 3.5 साल लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर रहा, तो सारे पंजाब छाप है मेरे काम की जी, बच्चा बच्चा का भी काम किया दयानंद जोशी ने किया, नाम दिता गया, विकास पुरश भी आते सम्मानित किया गया। फिर जोशी साहब कितने रही जल्दी क्यों नहीं जित पाए, लोग हवावान फड़न के चक्कर से ना कुछ तो साढ़े अपने प्रेमी जोड़े है साड़ी पार्टी के उन्होंने नहीं चंगा लगता भी मैं जिता, उन्होंने सारे जोर बाह लाती है। दूजा लोग जड़िया इन्होंने लालच दिता ना नौकरियों का मोबाइलों का, वह हवावान फड़न के चक्कर हवावान लपजे, हवावान नहीं फड़िया जा हवावान ही सी, करजे माफ, मोबाइल, नौकरियां जी, घर घर पेंशन वधाउनियाँ, सघन स्कीम वधाउनियाँ, राशन के नाल होर कई कुछ देना है, राशन भी सारा खा गए इन्हों के लीडर। ये कांग्रेस ने सौह खा खा के जड़िया चीज़ा कीतिया ना उत्ते विश्वास कर गए, वो हवा फड़न के चक्कर दे विच मेरे अर्गे सेवादारा नूं गवा लिया, तो लोग पछताउंदे भी है ना, तुहानूं कहिंदे ने लोग भी असीं पछताउंदे अज। जो साहब पंजाब भाजपा तो अकालिया का 9 मास का रिश्ता मान जाने जाता है, हुण 9 मास का रिश्ता तो टुट गया, की जापदा पंजाब दे विच भाजपा का की वजूद है? भाजपा वेखो मैं तो ना जिन्ना चिर पार्टियां कोई लोगों के नाल नहीं खड़िया होंदिया लोग उन्हूं मानता नहीं देंदे, लोग उहदे नाल नहीं तुरदे। सानू पंजाब दे मुद्दियां ते, पंजाब दी किसानी ते, पंजाब दे वपारियां दे मुद्दियां ते स्टैंड लेना पऊगा, लत ला के केंद्र तो डर तो बगैर जी सामने खलो के उन्होंने मुद्दे हल कराने पैणगे, स्टैंड लेना पऊगा, फिर लोग नाल तुरनगे। जे आखण भी अही जो योगी साहब आंदे आ वह बोल दिए इत्थे, जो मोदी साहब आंदे आ जां दिल्ली दे होर लीडर दे वह बोल दिए इत्थे, तो लोगों नूं सूट करता हो ना करता हो तो फिर गाड़ी चलू फिर नहीं चलूगी। हाँ मोदी जी सब काम चंगे करते हैं, पर जे कोई नहीं किसी चंगा लगा काम तो मोदी जी ने यह कहना बनता, इतों की इन्नी हिम्मत भी इन्हें रखनी चाहिए है भी साडे बंदे नहीं एक्सैप्ट करते पे, तो ही कृपा करके दोबारा विचार कर लो, पर सुन इन्नी हिम्मत चाहिए रखनी। सुनने से भी आता कि मोदी जी और अमन शाह जी जोड़े भी फैसले लेंगे ने अपनी मर्जी के लेंगे ने, तो जोड़े भी फैसले ले वापस नहीं ले। चलो सुन दियाँ गल् वक्रिया वा, ए नहीं है गल हैगी, उन्होंने ग्राउंडड लीडर आ, जमीन तो उठ के गए, उन्होंने हर चीज़ का पता वा, उन्होंने लोगों वास्ते बहुत कुछ किया, देश का ना उच्चा किया। मोदी साहब ने माड़ा कोई काम नहीं किया, एवं आप जो मर्जी आकी जाइए, उन्होंने दुनिया के झंडा बुलंद किया वा, पर जिहड़ी गल सानू पंजाब दे यूनिट नू स्टैंड लैके किसानां दे नाल करनी चाहिए असी नहीं कर पाए, इस करके उन्होंने भी लगा भी खरे सब कुछ ठीक ही आ। जो साहब जिथे 2017 अपनी पार्टी के जोड़े से नुमाइंदे या वर्कर से उन्होंने सामना करना पाया, हूँ भी तुम बयान दे रहे हो कि किसानों के हक च बोल नहीं रहा बीजेपी वाला, तुम बोल रहे हो यद भी खमियाजा तू। चलो जो आप बंदा खमियाजा तो उपर उठता, मैं कहना जिदने कुर्सियां का मूह छड़ देंगे ना भी सच की गल करनी शुरू करे तो इन्हों भी चंगा लगेगा तो मसले भी हल हो जाएंगे। अज मैं सच की गल करता पाया, अपने मन की गल करता पाया, जिहड़ी कि मैं अपनी वालों बहुत लंबा 7-8 महीने पार्टी लाइन के अंदर रह के करन दी कोशिश की, नहीं सुनी गई, हुण मैं ओपन होया वा ना, तो मैं सारिया चीज़ों का मोह छड़ के ही ओपन होया। हाईकमान पहुंचनिया मोदी साहब तक कोई नहीं, जिते मर्जी जाण को मैं गलत थोड़ी कहता पाया, मैं तो सही गल सच की गल कहता पाया।
यही गल इन्हों करनी चाहिए है, जे करे पंजाब नाल खड़ा होगा। तो किसान जोड़े ने अपने हकों वास्ते ही डटे हुए हैं, पर बीजेपी वाले जिस तरह के बयान देंगे ने, चाहे उन्होंने आते हैं पिकनिक मना रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी तीन दसया जाता है, किमें देखते हो तुम ये बेवकूफी वाली गल्ला है, कोई चंगी गल्ला नहीं सर। की हल किमें होएगा, क्यों साल हो जाए किसान उत्थे डटे ने, बीजेपी के पंजाब के लीडर ने आवाज़ नहीं उठाते, तुम आवाज़ उठाई है तो तुम तो मेरी सुनते नहीं है, तो हल किमें होएगा? देखो हल हो ना हो पंजाबी नूं पंजाब दे हक च पंजाब दीआं गल्लां दे पंजाब दे मुद्दिआं दे हक च खड़े होना चाहिए। बिहारी बिहार की गल करदा, यूपी वाला यूपी की गल करदा, बंगाली बंगाल की गल करदा, ते पंजाबी नूं पंजाब की गल करनी चाहिए है, पंजाब दे लोकां नाल खड़ा होना चाहिए वा। वो मसला अज कल होवे हल होवे परसों होवे वो बाद की गल है, पर पहला अपना फर्ज तो निभाइए। पर जो सब जिवें कि विरोध हुंदा जिथे भी जांदे ने बीजेपी लीडर चुनावों के किवें वोटा लैन जाओ जी, तद करके कहना ना लखलाउणा चाहिए लोगों। मेहरबानी जी। सो ये अनिल जोशी जी जिहड़े साबका कैबिनेट मंत्री रहे ने बीजेपी के 2017 दीआं चोणां भी लड़ियां सी, पर अपणिआं ने जिवें कि जोशी साहब कह रहे ने अपणिआं ने उन्हां नूं हराता, हुण जिहड़ा उन्हां ने किसानां दे हक दे विच हां दा नारा मारिया ते कहा कि किसानां दी जिहड़ी ने गल सुननी चाहीदी है, चाहे वह बिल रद्द हुंदे जां नहीं रद्द हुंदे, पर बीजेपी जिहड़े पंजाब बीजेपी है उन्हां नूं इक वारी किसानां दे नाल रल के दिल्ली दे विच जिहड़ी आवाज़ उठाउणी चाहीदी है। सो मैनूं दिओ इजाजत, मैं हां तुहाडा दोस्त धर्मवीर गिल लाली।